दुनिया सुन ले, पाकिस्तान महफूज और मेहमान नवाजों का मुल्क है, मोहब्बत पाकिस्तानियों का हथियार है। ये कहना था पाकिस्तान रेसलिंग इंटरटेनमेंट में शिरकत के लिए आने वाले इंटरनेशनल रेसलर्स का। पाकिस्तानी नज़ाद फ्रांसीसी रेसलर बादशाह खान, बरतानवी पहलवान टाइनी आयरन और अलजजायर के फाइटर यासीन उस्मानी ने अपने प्रोमोटर्स और PWA के ऑफिशियल्स के साथ कराची में 92 न्यूज और रोजनामा 92 न्यूज के दफातर का दौरा किया। पाकिस्तानी नज़ाद फ्रांसीसी रेसलर बादशाह का कहना था की पाकिस्तान में लोग रेसलिंग के दीवाने हैं। पाकिस्तान का मची की धूम पाकिस्तान में रेसलिंग के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत डिमांड है रेसलिंग की, लेकिन कोई आया नहीं था जो डिमांड को सच्चा कर सके। तो हमने सोचा, मैं दो तीन सालों से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग लाऊं, क्योंकि इधर 200 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है और इनमें प्रो रेसलिंग फैंस भी बहुत है। और इंशाल्लाह जब भी हम लाएंगे ना रेसलिंग लाएंगे, इंशाल्लाह पैक्टर्स होंगे और लोग बहुत इंजॉय करेंगे। बरतानवी रेसलर टाइनी आयरन तो पाकिस्तानी खानों के दीवाने निकले। After this we're going to go to the restaurant, we're going to eat more food. Which restaurant, which food? Oh man, it was a very nice restaurant. Sea View, you know, we had loads of food for me, you know, I'm a meat eater, I had loads of meat, you know, I was very happy, you know, they made me very happy, very welcoming, very, very compassionate, man, you know, they cater to my needs, I'm a big guy, man, I eat a lot, bro, but Pakistani food did me wonders, brother, yeah, you can feel the power right now, Pakistani power. PWE ke director Raja Riaz Janjua ne international wrestlers ki aamad ko kaum ke liye tohfa karar diya. Inhone kaha ki hum Pakistan ki awam ke liye tribute pesh karne के लिए पाकिस्तान जाएंगे, हमें कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है और ये हमारे एम्बेसडर हैं, हमें इनका भरपूर साथ देना चाहिए और ग्राउंड में आके इनके लिए जितना हमसे हो सके इनको खुशामदीद करना चाहिए। इंटरनेशनल रेसलर्स ने 92 न्यूज और रोजनामा 92 के मुख्तलिफ सेक्शन का दौरा और स्टाफ के साथ तस्वीरें भी बनवाई। कैमरामैन फरहान हनीफ और आबिद खटक के साथ महमूद रियाज, 92 न्यूज, कराची। पाकिस्तान जिंदाबाद।